नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का मेरा विषय जो है वो आदमी के अंदर चार किडनियाँ होती हैं। दोस्तों, सुन के चौंक जाएंगे आप कि आदमी के भीतर चार किडनियाँ होती हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं प्रूव करके आपको बता रहा हूँ कि आदमी के अंदर चार किडनी होती हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो दोस्तों, आदमी में चार किडनियाँ होती हैं, और वो किडनी कहाँ होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने दो किडनियों के बारे में ही सुना है, लेकिन आदमी के अंदर चार किडनी होती हैं। वो कैसे? आदमी के अंदर जो गुर्दे हैं उनको ब्रिक कहते हैं। आप सभी को पता है कि दो ब्रिक या दो गुर्दे दो किडनी, मतलब ब्रिक को हिंदी में ब्रिक कहा जाता है, किडनी को हिंदी में ब्रिक कहा जाता है, गुर्दा भी कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर गुर्दों से जुड़े एक और चीज जुड़ी होती है, जिसको कहते हैं हम एंटीनल ग्लैंड। लेकिन हिंदी में जो उसका अर्थ है, हिंदी में इसका अर्थ जो है वो क्या है? अधिब्रिक। अधिब्रिक जो है यानी कि आधे आधे किडनी, यानी कि अधिब्रिक, इसका नाम ही अधिब्रिक है। तो अधिब्रिक जो है, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर नाभि यानी कि किडनी के ऊपर जो हमारी दो किडनी होती है उसके ऊपर ये अधिब्रिक होते हैं, और हमारे पेट का जितना भी क्रिया है ये सारी इन अधिब्रिक के ऊपर ही डिपेंड है। यानी कि पेट की जितनी भी हमारी गैस है, कब्ज है, शुगर है, या आदमी को किसी प्रकार की अल्सरेशन है, तो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो इन्हीं अधिब्रिक, अगर हर कार्य ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो इन्हीं अधिब्रिक के कारण होती हैं, और ये हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। और ये हमारे शरीर में इसका अगर अनबैलेंस होना, इन अधिब्रिक का कार्य ठीक ना करना, तो हमें पेट की कई तरह की बीमारियों से हमें जूझना पड़ता है। इसमें चाहे वो बवासीर हो, यानी कि पेट में अल्सर हो, गैस हो, शुगर हो, यानी कि पेट की समस्त बीमारियां जो हैं इन्हीं अधिवृक्क के हार्मोनल जो ये सिक्रीट करते हैं उसकी वजह से होती हैं, अगर ये कार्य ठीक ना करें तो। दोस्तों, सिर्फ इतना सा ही वीडियो था इसको मेरे को आपको दिखाना कि आप इसको कैसे ठीक करें या कैसे ठीक रख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको तला भुना चीज़ें, जितनी भी आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं वो आप ना खाएं, अधिक लाल मिर्चों का आप प्रयोग ना करें, अधिक चटकीले नमक मिर्च जिसमें तेज होती है, अधिक मसाले होते हैं वो ना खाएं। दोस्तों, इसको ठीक करने का एक या ठीक रखने का एक बहुत बड़ा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारे जो अधिवृक्क हैं इसको, इसकी जो कार्यप्रणाली है, इसकी कार्यप्रणाली को रोकने का जो मुख्य कारण है आपकी तली भुनी चीज़ें, आपका अधिक मिर्च मसाला खाना, ये आपके इस चीज़ को ख़राब करता है, यानी कि एंटीनल ग्लैंड को ख़राब करता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे रोगों से बचें और ऐसी चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और आदमी को कभी भी बार बार नहीं खाना चाहिए। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे जो नहीं जानते हैं, यानी कि यहाँ भी खा लिया थोड़ा सा, वहाँ भी खा लिया, तो उससे ये चीज़ें खराब होती हैं। बहुत सारे आपने बच्चे देखे होंगे कि उनको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वो सारा इसी की वजह से होता है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि इस, बहुत बड़ी जानकारी है ये आपके लिए, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन जानकारी ये बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बचें, और जैसा कि मैंने ये साबित किया आपके सामने कि आदमी के अंदर चार किडनी होती हैं। हाँ, अंग्रेजी में थोड़ा इसका अलग है, क्योंकि जो अधिब्रिक हैं उनको एंटीनल ग्लैंड कहा जाता है, और जो हमारे गुर्दे हैं ब्रिक हैं उनको किडनी कहा जाता है। लेकिन हिंदी में इसको रूपांतरण किया जाए तो ये किडनी को ब्रिक और जो एंटीनल ग्लैंड है उनको अधिब्रिक कहा जाता है। तो दोस्तों,
उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।